नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय कोट बलवाल जेल से एक बड़ा मामला जो है सामने आया है। अक्सर कोट बलवाल जेल जो है सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें कि इस बार फिर जो है कोट बलवाल सेंट्रल जेल के बैराक से एक जो है मोबाइल फ़ोन जो है बरामद हुआ है। क्या कुछ पूरी खबर है ये मैं आपके साथ साझा करूँगी, लेकिन उससे पहले इस खबर को जो है शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये खबर बहुत ही अहम है। और आपको बता दें कि 2024 में ये तीसरा मामला है जो कोट बलवाल की जेल से सामने आया है, जहां पर फिर से एक बार जो है मोबाइल फ़ोन जो है मिला है। हालांकि ये मोबाइल फ़ोन जो है क्षतिग्रस्त है, यानी कि टूटा हुआ है और इसमें कोई भी सिम नहीं है, लेकिन प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि बार बार जो सुरक्षा में सेंध कौन लगाता है, क्या कुछ इसमें खामियाँ रह जाती हैं जो इस तरह से मोबाइल फ़ोन जो है ऐसे सेंट्रल जेल कोट बलवाल से मिलते हैं। आपको इस समय की बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर यही है कि कोट बलवाल जेल से इस समय एक मोबाइल फ़ोन मिला है। वो मोबाइल फ़ोन क्षतिग्रस्त है और उसमें कोई भी जो है सिम कार्ड उपलब्ध नहीं है। इससे पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब एक फ़ोन जब दो फ़ोन जो है बरामद किए गए थे, और ये जनवरी की बात है, जनवरी में दो मोबाइल जो स्मार्टफोन है वो बरामद किए गए थे, और उसमें से जो एक मोबाइल था वो आतंकी के पास से मिला था। आपको बता दें सेंट्रल जेल है, तो यहाँ पर विदेशी आतंकियों के साथ साथ जो अलगाववादी हैं आतंकी हैं उन्हें भी यहाँ पर रखा जाता है। तो ऐसे में ये अलगाववादी आतंकी अंदर जेल से ही जो है अपना जो है कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट बनाने के लिए इन्हें मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट सिम की भी ज़रूरत है। और इसमें इस पर ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि किस तरह से जो है मोबाइल फ़ोन या सिम का प्रबंध ये जेल के अंदर बैठे हुए करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह। लेकिन इस समय की एक बड़ी अपडेट कि कोट बलवाल की जेल से फिर से एक बार जो है टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन मिला है, और ऐसे में ये भी माना जाता है कि जब कोई आतंकी संगठन इस तरह से जेल के अंदर किसी फ़ोन का या सिम कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो इस्तेमाल करने के बाद उस फ़ोन को या उस सिम कार्ड को तोड़ दिया जाता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे तक नहीं पहुँचाई जा सके। CISF की जो टुकड़ी है वहाँ पर मौजूद थी, और तलाशी के दौरान जो है एक जो मोबाइल फ़ोन है मिला, और ये मोबाइल फ़ोन टूटा हुआ है। फिलहाल अभी इसे साइबर सेल भेज दिया गया है। क्या कुछ जो इन्फॉर्मेशन है इससे निकलती है उसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर कि कोट बलवाल सेंट्रल जेल के बैराक से फिर से एक बार जो है मोबाइल मिला है। इससे पहले भी ऐसी बड़ी घटनाएं जो है होती रही हैं। साल का ये तीसरा 2024 का ये तीसरा मामला है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि आतंकियों द्वारा जो मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन जो थे उनके द्वारा यूज़ किए गए, और कई बार तो सिम कार्ड भी उनके बीच में थी, लेकिन उसके बारे में जो जांच पड़ताल है वो लगातार जारी थी। और क्या कुछ उस जांच पड़ताल में सामने आया है और अभी भी उस पर जो है कार्यवाही की जा रही है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब एक बार फिर से आतंकियों द्वारा जो है इस तरह की जो घटना है सामने आई है, जो ये मोबाइल फ़ोन है क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन, टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन जो है कोर्ट जेल की जो बैराक से मिला है, आतंकी द्वारा ये यूज़ किया गया है या किस तरीके से किस तरह से इस फ़ोन का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में अभी कोई कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि साइबर सेल में ये फ़ोन भेज दिया गया है। अब इसके मतलब जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे हम आप तक साझा ज़रूर करें। लेकिन फिर से एक बार जो है कोट बलवाल जो है सुर्खियों में है, और फिर से उसकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, और ये सेंध लगाने के पीछे कौन कौन जो है मिला हुआ है इसके बारे में जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम आप तक साझा ज़रूर करेंगे। इस अपडेट के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस कोट बलवाल हर बार सुर्खियों में रहता है।